उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में पिछले कुछ दिनों से आई बाढ़ के बाद हर ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। खेत, खलिहान, मकान और सड़कें हर ओर डूबी नजर आ रही हैं। हालांकि जिला अधिकारियों का कहना है कि गंगा का पानी अब कम हो रहा है। हालात को देखते हुए प्रशासन बारीकी से नजर रखे हुए है। गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर है, बह रही है, लेकिन अब लगातार कल से उसका पानी घट रहा है। लेकिन हम लोगों ने लगातार इसमें अपनी बाढ़ चौकियों और अधिकारियों के माध्यम से लगातार भ्रमण करके लोगों को सहायता पहुंचाने, जो लोग विस्थापित हो गए तो उनको लगातार खाना खिलाने, उनकी व्यवस्थाएं देखने। ये दो गांव हमारे प्रभावित हुए, एक अभयपुर है, एक गलाथा गांव है। इन दोनों गांवों को मिला करके लगभग 500 परिवार प्रभावित हुए हैं। जिले के विधायक राजेंद्र पटेल ने मंगलवार को बाढ़ से प्रभावित दो गांव में रिलीफ कैंप लगाया और लोगों को राहत सामग्री बांटी। सरकार के द्वारा माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देश आए कि बाढ़ में जो भी राहत सामग्री है तत्काल बांटी जाए। आज ग्राम पंचायत अभयपुर के सभी मजरे पुरवों में, जाड़े के पुरवा भी है जहाँ वितरण हो रहा है, सभी जगह कम से 540 लाभार्थी जो सबको दिया जा रहा है। एक ग्राम पंचायत गलाथा है, वहाँ के लोग जो बाढ़ से प्रभावित है उनको भी दिया जा रहा है। जिला अधिकारियों ने कहा कि किसानों को हुए नुकसान के लिए सर्वे किया जाएगा, इसके बाद नुकसान की भरपाई के लिए मदद दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में पिछले कुछ दिनों से आई बाढ़ के बाद हर ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। खेत, खलिहान, मकान और सड़कें हर ओर डूबी नजर आ रही हैं। हालांकि जिला अधिकारियों का कहना है कि गंगा का पानी अब कम हो रहा है। हालात को देखते हुए प्रशासन बारीकी से नजर रखे हुए है। गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर है, बह रही है, लेकिन अब लगातार कल से उसका पानी घट रहा है। लेकिन हम लोगों ने लगातार इसमें अपनी बाढ़ चौकियों और अधिकारियों के माध्यम से लगातार भ्रमण करके लोगों को सहायता पहुंचाने, जो लोग विस्थापित हो गए तो उनको लगातार खाना खिलाने, उनकी व्यवस्थाएं देखने। ये दो गांव हमारे प्रभावित हुए, एक अभयपुर है, एक गलाथा गांव है। इन दोनों गांवों को मिला करके लगभग 500 परिवार प्रभावित हुए हैं। जिले के विधायक राजेंद्र पटेल ने मंगलवार को बाढ़ से प्रभावित दो गांव में रिलीफ कैंप लगाया और लोगों को राहत सामग्री बांटी। सरकार के द्वारा माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देश आए कि बाढ़ में जो भी राहत सामग्री है तत्काल बांटी जाए। आज ग्राम पंचायत अभयपुर के सभी मजरे पुरवों में, जाड़े के पुरवा भी है जहाँ वितरण हो रहा है, सभी जगह कम से 540 लाभार्थी जो सबको दिया जा रहा है। एक ग्राम पंचायत गलाथा है, वहाँ के लोग जो बाढ़ से प्रभावित है उनको भी दिया जा रहा है। जिला अधिकारियों ने कहा कि किसानों को हुए नुकसान के लिए सर्वे किया जाएगा, इसके बाद नुकसान की भरपाई के लिए मदद दी जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।